हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को फिर से इस ब्लॉग चैनल में। और आज हम चलते हैं एक जगह जो हमारे ब्लॉगिंग में कभी काल आप लोग देखते होंगे, अमित को। उनसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो उनसे जब बात किए तो उन्होंने बोले हम तो कॉलेज आ गए हैं, आपको उतना ज़रूरी है तो आप आइए। हम उनसे बोले हमें आने देगा, हम उस कॉलेज के लिए तो अनजान आदमी हैं। तो उन्होंने बोले हम हैं ना, आप आइए। और वो अभी ITI जो प्रैक्टिकल चलता है वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो चलते हैं, उनसे जो काम होगा वो करेंगे, उसके बाद वहाँ पर थोड़ा देखेंगे कि आखिर किस तरह से ITI जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है। अगर उस तरह का दृश्य होगा तो थोड़ा आप लोग को हम दिखाना चाहेंगे कि बहुत सा लोग होते हैं जो देख पा रहे हैं। अभी हमारे साथ अमित है। अमित अभी ITI कॉलेज में प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जो प्रैक्टिकल होता है वो तो ओना नहीं होइ छै, ओना नहीं होइ छै, ओना नहीं, ओना नहीं, पलट के दो, पलट के दो। हाँ, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये है पीटर ट्रेड का जो भी प्रैक्टिकल चल रहा है। यानी प्रैक्टिकल में भी दो भाग होता है, एक होता है थ्योरी और एक होता है जो वर्कशॉप में प्रैक्टिकल कीजिएगा वो प्रैक्टिकल। आप लोग देख पा रहे हैं ये लड़का सब प्रैक्टिकल कर रहे हैं जो कि पीटर ट्रेड से हैं। और ये आप लोग को बदला देंगे, बिल्कुल सस्ता कॉलेज है। यानी यहाँ पर जो एडमिशन करवाते हैं सस्ता सुविस्ता में एडमिशन हो जाता है। और दो वर्ष का जो ट्रेड होता है, कोर्स होता है, वो पूरा करके कोई प्राइवेट में, प्राइवेट कंपनी में, या अधिकतर लड़का इसमें होता है तैयारी करने वाला। यानी रेलवे में अब जो वैकेंसियां आएगी वो उसमें ITI निर्धारित कर दिया गया है। विदाउट ITI का उसमें फॉर्म भरना संभव नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग देख पाए। इस चैनल को लगे हाथ सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और जगह के साथ।